नमस्कार दोस्तों, किसी ने खूब कहा है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें अपनी पुरानी मिस्टेक्स से सीखना होगा और उस मिस्टेक्स को दोबारा नहीं दोहराना होगा, या फिर जिन्होंने भी उस मिस्टेक्स को किया है उनको उनके बुरे परिणाम भुगतने पड़े हैं, उन मिस्टेक्स को एटलीस्ट हमें नहीं करना है। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा ऐसी कौन से फाइनेंशियल मिस्टेक्स या फिर ऐसे कौन से फाइनेंशियल डिसीजन आप लोगों को 2022 को ध्यान में रख करके 2023 में लेने चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग काफी बिगनर हैं या फिर जिन लोगों को फाइनेंशियली लॉस ज्यादा होता है, चाहे इक्विटी में हो या फिर अगर हम बात करें किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी उनको दिखती है तो वहां पे वो अपना पैसा डालते हैं, एट द एंड उनको लॉस ही होता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज कि आप लोग अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो किस तरीके से और कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए, मैं आप लोगों के सामने केवल एक मंथ रखना चाहता हूं, हर साल नहीं रखना चाहता हूं कि दिसंबर का महीना खत्म हुआ, जनवरी में आप लोगों को अपने पोर्टफोलियो को देखना है और अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना है। आप लोग पर्टिकुलर किसी एक मंथ को रखो, जैसे कि मैं रखता हूं फरवरी मंथ को आफ्टर बजट। एक फरवरी जैसे ही खत्म होती है, बजट जैसे ही अनाउंस होता है, मैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूं बजट को ध्यान में रख करके। जैसे कि बजट में कुछ एग्रीकल्चर के लिए आया तो मेरा इक्विटी पोर्शन ज्यादा है, या फिर कुछ ऐसे टेक के लिए बजट आया, या फिर ऐसी कुछ अनाउंसमेंट हुई जो कि मुझे इक्विटी में काफी अच्छा बेनिफिट दिला सकती है, तो जो भी मेरे शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट्स हैं मैं उनमें डिसीजन लेता हूं कि मुझे इस तरीके के स्टॉक्स को निकालना चाहिए या फिर इस तरीके के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, या फिर ये म्यूचुअल फंड मुझे निकाल करके रख देना चाहिए, अब इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यहां से पैसा उठा करके कहीं और डिस्ट्रीब्यूट करना है या फिर इन्वेस्ट करना है। आप लोगों को अपना पोर्टफोलियो रिव्यू जरूर करना चाहिए हर साल किसी पर्टिकुलर एक मंथ में। दूसरी चीज दोस्तों कि आप लोगों को ऐसी कोई भी अनरेगुलेटेड चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अनरेगुलेटेड चीज यानी कि क्रिप्टो करेंसी को देख लो, उसका कोई रेगुलेशन नहीं है, जैसे कि आप लोगों की इक्विटी में सेबी है और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए IRDA है, लेकिन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी के लिए ऐसी कोई भी रेगुलेशन नहीं है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट में आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से बनता है जो अनरेगुलेटेड हो, जिनका गवर्नमेंट से कोई ताल्लुकात ना हो। और मेरी बात उन लोगों को ज्यादा चुभ रही होगी जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया और काफी अच्छा खासा तगड़ा लॉस खाए हुए हैं, और उन लोगों को अच्छी लग रही होगी जो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देते आए हैं हमेशा से। वैसे दोस्तों, अगर आप मेरी बात करें तो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और सही समय में पैसा निकाल लिया। और अगली चीज है दोस्तों वोलेटिलिटी। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि देखिए 2019 के बाद जिस तरीके से मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिली है, उस समय से लोग काफी ज्यादा परेशान हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेरे यहां तक कि दोस्त भी परेशान होते हैं कि भाई ये शेयर इतना बढ़ गया, इतना गिरा हुआ था, ये कैसे हो गया। दोस्तों, आप लोगों को हमेशा इक्विटी में आना है तो लॉन्ग टर्म के लिए आइए, आप लोगों को वोलेटिलिटी का इफेक्ट देखने को मिलेगा ही नहीं। शॉर्ट टर्म के हाँ स्पेकुलेशन करने हैं आप लोगों को, किसी न्यूज जो मिल गई या फिर आप लोगों को कोई स्टॉक तुरंत डिप गया किसी न्यूज की वजह से और स्टॉक काफी वैल्यू है, ग्रोथ स्टॉक है, तो आप लोगों को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए भी। लेकिन अगर एज अ इन्वेस्टर आप आ रहे हो तो हमेशा गोल रखो कि 5 से 10 साल तक उस पर्टिकुलर स्टॉक में रहना। भाई ऐसा नहीं कि आप लोग कोई ऐसा स्टॉक चूज कर लो, पैरिस स्टॉक के नाम पे आप लोगों को भी पकड़ा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मिल जाएंगे आप लोगों को इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे, जो आप लोगों को पैरिस स्टॉक बता बता कर 5 साल तक एक ही स्टॉक को बार बार रिकमेंड करते हैं और वो स्टॉक बढ़ता ही नहीं है। थोड़ा सा 10-20% बढ़ा, एक आध दिन सर्किट लगा, फिर उसके बाद नीचे आते हैं। दोस्तों, वो पंप एंड डंप वाले स्टॉक होते हैं जो आप लोगों को कभी भी वेल्दी नहीं बना सकते हैं, आप लोगों को हमेशा नुकसान ही कराएंगे। तो आप लोग कुछ ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो ग्रोथ स्टॉक हो, जो आप लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सके लॉन्ग टर्म में। अगर आप उनको 5 साल दे रहे हो तो एटलीस्ट वो आप लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न निकाल करके दे सके। और अगली चीज दोस्तों इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो आप लोगों को रियल एस्टेट में भी थोड़ा देखना चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर दोस्तों जैसे कि मैं बात करूं तो मैं कुछ प्रोजेक्ट को डेवलप करके लोगों के सामने सेल भी करता हूं। तो अगर आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर, जैसे गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब या फिर कोई अपना सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई दुकान खोल करके रखा है, तो उन लोगों ने भी काफी अच्छा पैसा यहां से कमाया है। मैं आप लोगों को अपना खुद लाइव एग्जांपल देता हूं कि मैंने एक प्लॉट को सेल करा था लगभग 16,000 पर स्क्वायर यार्ड में, 16,000 पर स्क्वायर यार्ड में, और 2 साल में 2020 में उसको सेल किया और 2022 में
उसकी कीमत दोस्तों लगभग 35,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड हुई है, और उसी की जो रजिस्ट्री ट्रांसफर हुई है यानी कि जो प्रॉपर्टी वो सेल हुई है 36,000 पर स्क्वायर यार्ड में वो प्रॉपर्टी सेल हुई है। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि आप लोगों के सामने रियल एस्टेट में भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे दोस्तों अगर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं तो अगर आप लोग इलाहाबाद प्रयागराज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उस तरह की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हो जो आप लोगों को शॉर्ट टर्म में भी काफी अच्छा गेन दे सके, और रियल एस्टेट दोस्तों एक ऐसा सेक्टर है जहां से आप लोगों को पैसा तो बनना ही बनना है, नुकसान नहीं होता है। दोस्तों मैंने आप लोगों के सामने ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रखे हैं और भी चैनल पे लेकर के आऊंगा, आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा, कौन कौन से प्लॉट्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से यू नो हाउसेज अवेलेबल हैं, रो हाउसेज अवेलेबल हैं, बंगलो अवेलेबल हैं, यू नो हाउस जो दोबारा से लोग कहीं शिफ्ट होते हैं वो अपना सेल करके जाते हैं, ऐसे बहुत सारे हैं हमारे पास जो आप लोगों के सामने है एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आप लोगों के लिए रेंटल प्रॉपर्टी भी क्रिएट करने का ऑप्शन है। दोस्तों आप लोग इस नंबर पर कॉल कीजिए और अपनी मीटिंग फिक्स कीजिए और आकर के विजिट कीजिए। बाकी अगर आप लोग इलाहाबाद में शिफ्ट होना चाहते हैं, प्रयागराज में शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि यहां पे दोस्तों काफी तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, प्रॉपर्टी की कीमत काफी तेजी से बढ़ रही है, लखनऊ या फिर ऐसे एरिया की बात करते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो उनमें डेवलपमेंट हो चुका है, तो आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी हैं, लोन हमारी जिम्मेदारी आप लोगों के करवाने की अगर आप लोग लोन पे लेना चाहते हैं। बाकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने बहुत अच्छी है प्रयागराज में। तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दे रहा है उस पर कॉल करके अपनी मीटिंग को जरूर फिक्स कीजिए और आकर के विजिट कीजिए। बाकी दोस्तों अगली चीज जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को ध्यान में रख करके आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। 2022 की बात करते हैं और 2021 की बात करते हैं दोस्तों, यहां पे 2021 से एट द एंड रेपो रेट को बढ़ाना स्टार्ट हुआ था। 2022 में यू नो हम लोगों का परसेप्शन बना था भैया कि फिक्स डिपॉजिट में उतने अच्छे रेट नहीं मिलते हैं, आरडी में उतने अच्छे रेट नहीं मिल रहे दोस्तों, लेकिन रेपो रेट के बढ़ने के बाद, इन्फ्लेशन के बढ़ने के बाद, देखिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट रेपो रेट बढ़ा रही है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा रहा है, तो इससे हो क्या रहा है कि रेपो रेट बढ़ रहा है तो आप लोगों के फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट पर रेट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अब आप लोगों को 2022 वाला ये परसेप्शन छोड़ करके कि फिक्स इंस्ट्रूमेंट हम केवल डेप में ही जा सके या फिर बॉन्ड्स में ही जा सके, तो वहां से आप लोगों को निकल करके अब अपने फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट की तरफ भी, फिक्स्ड डिपॉजिट या फिर रिकरिंग डिपॉजिट या फिर पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में भी काफी अच्छे रेट्स हो गए हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह की, तो आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स को भी ध्यान में रख करके अपना इन्वेस्टमेंट बना सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकते हो क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट पे रिटर्न आप लोगों का फिक्स हो जाता है। अगली चीज दोस्तों जो इस वीडियो का मेन हो सकता है, क्योंकि अगर मैं इस चीज को ना कवर करूं तो फिर ये वीडियो बेकार है आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों देखिए एमरजेंसी फंड बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग देखो 2022 से ऐसी बहुत सारी टेक कंपनीज निकल कर के आई, अभी फिलहाल आपने गूगल को देखा, माइक्रोसॉफ्ट को देखा, और भी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को कम कर रही हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग भी कहीं जॉब कर रहे हो और आप लोगों की जॉब की इनसिक्योरिटी है तो आप लोगों को अपने एमरजेंसी फंड को क्रिएट जरूर करना चाहिए। अब ये किस लिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 2022 में ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पर्सनली मैंने देखा है, वो अपनी ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हैं उनकी जॉब जाने के बाद। कई सारी कंपनी जो पर्टिकुलर किसी एरिया में काम कर रही थी वो कहीं और शिफ्ट हो गई जिससे कि उनको जॉब से हाथ धोना पड़ा, तो ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है दोस्तों जो आप लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को देख करके वो चीजों में इन्वेस्ट कर लेते हो या फिर बाय कर लेते हो, बाद में जाकर के वो आप लोगों के पैर का घाव बन जाती हैं जो आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो हमेशा दोस्तों मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों की जॉब की इनसिक्योरिटी है ना, तो आप लोग एटलीस्ट 12 महीने का, वैसे तो 6 महीने का लोगों को मैं सलाह देता हूं, लेकिन अगर आप लोगों की जॉब की इनसिक्योरिटी है तो एटलीस्ट आप लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि 12 महीने का खर्च आप लोगों का आराम से चल जाए। अब ये खर्च क्या होता है, जैसे कि अगर आप पेरेंट्स हैं तो बच्चों की फीस, उनकी देखभाल किस तरीके से आप करते हैं, आपका लाइफ स्टैंडर्ड किस तरीके से है, उस तरीके से आप लोगों को महीने का खर्च भी डिसाइड करना है। बच्चे की फीस, लोन, ईएमआईज जो भी जा रही है वो सब ऐड होना चाहिए, जो हर महीने फिक्स्ड खर्चे हैं राशन वगैरह के वो सब आप लोगों के इंक्लूड नहीं। मान लीजिए कि मेरी 50,000 रुपए इनकम है, 30,000 रुपए मेरे ये फिक्स्ड खर्चे हैं, तो मेरा जो एमरजेंसी फंड होगा वो 12x30,000 होगा, ये मेरा एक साल का होगा जो कि मैं बिल्कुल सिक्योर्ड रहूंगा। आप फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो, अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करना चाहते हो तो रिकरिंग डिपॉजिट के थ्रू कुछ अमाउंट 2,000, 5,000, 10,000 रुपए इस तरीके से इकट्ठा करना अभी से स्टार्ट कर दो और अपने एमरजेंसी फंड में पैसा डालो। आप लोगों के सामने म्यूचुअल फंड भी है, वहां भी डेट फंड्स में जा सकते हो जो आप लोगों को फिक्स रिटर्न निकाल करके एटलीस्ट दे देते हैं 6 से 7%। आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वैल्यू क्रिएट
मोटिवेट करी होगी, कहीं ना कहीं सोचने पे कुछ मजबूर की होगी। बाकी इस वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाइए, खास करके जो लोग जॉब कर रहे हैं या फिर जिन्होंने अपनी अर्निंग स्टार्ट करी है अभी अभी, जिससे कि उनको भी कुछ मदद मिल सके और 2022 में जो उन्होंने गलतियां करी या फिर 2022 से जो सीखा जा सकता है वो 2023 में उन गलतियों को या फिर 2023 में उससे अच्छे डिसीजन ले सके। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आ सकेगी। हाँ, अगर आप लोगों को रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगती है कि प्रयागराज में अच्छी हो सकती है तो आप लोग नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या फिर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल भी कर सकते हैं। चलिए आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।